गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिंदी के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है प्रथम पाठ, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। आइए आगे व्याख्या को समझते हैं। तो लड़कियों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। अब ये कहा है कि लड़कियों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि जिससे कि वो अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन करें, अपने धर्म के विषय में कुछ सीखें, अपने पति की भक्ति करें और अपने बच्चों को वो शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें, यह समय इन झगड़ों का नहीं है। कहते अलग अलग मतों को रखने वाले, अलग अलग विचारों को रखने वाले लोगों को आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े को छोड़ देना चाहिए, वैर की भावना को छोड़ देना चाहिए। यह समय इन झगड़ों का नहीं है, क्योंकि यह समय तो किस चीज़ का है, प्रगति करने का समय है। आपस में मिलजुल कर प्रगति करने का, विकास करने का यह समय है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा ही मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए, सब लोग आपस में मिलिए। अब यहाँ लेखक ये कहना चाहता है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, आपस में किसी से भी वैर भाव नहीं करना चाहिए। सभी धर्मों की इज्जत की जानी चाहिए और सभी जातियों की इज्जत की जानी चाहिए, सभी को समान मानना चाहिए। जो छोटी जाति के जो लोग होते हैं उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। सब लोगों को आपस में मिलकर रहना चाहिए और आपस में मिलकर ही देश की प्रगति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो, तालीम अर्थात शिक्षा, कि हमें अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोजगार सिखाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। अब यहाँ पे ये कहा है कि हम जैसे बहुत से जो होते हैं वो अमीर घरों के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को, उनके माता पिता को ये इस तरह की सोच उनके अंदर नहीं पनपने देनी चाहिए कि भाई हमारी पेंशन है तो तुम्हें नौकरी करने की या कोई काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर तुम्हें वजीफा मिल जाएगा तो तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर सरकारी नौकरी के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए। कहते कि लड़कों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो उन्हें किसी ना किसी रोज़गार से जोड़े, यानी कि रोज़गार पर ही उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, और अपने लड़कों को पढ़ने के लिए विलायत भेजना चाहिए जिससे कि वो नई तकनीक की शिक्षा को प्राप्त करें। छुटपन से ही उन्हें मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो। सभी को, यानी कि इस भारत देश में जो भी अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग स्थानों पर रहने वाले लोग हैं, सभी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखो जैसे हजार धारा एक होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहनते हो वह अमेरिका की बनी है, जिस लंक लाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है, फ्रारिस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए और कपड़े को पहचान कर एक ने कहा अजी अंगा तो फलाने का है, दूसरा बोला अजी टोपी भी फलाने की है, तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो बस मूछे ही मूछे हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए हो कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते हो। भाइयों, अब तो नींद से चौको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो जिससे तुम्हारी भलाई हो। वैसी ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो।
अब यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमें आपस में मिलजुल कर इस तरह के कार्य करना चाहिए जिससे कि जो हमारे देश का जो रुपया है वह हमारे देश में ही रहे, बाहर नहीं जाए। यानी कि हमें अपने देश में ही ऐसी चीज़ों का निर्माण करना चाहिए जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं और हमें उन्हें दूसरे देशों से ख़रीदना नहीं पड़े। कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि गंगा कई धाराओं में समुद्र से मिल जाती है, उसी प्रकार से हमारी जो लक्ष्मी है, हमारा धन है, वह भी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन सभी देशों को जाता है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जब हम वहाँ की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो हमारे देश का जो धन है उन देशों में जाता है। अभी उन्होंने कहा है कि दिया सलाई भी अगर देखी जाए तो वो भी हम कहाँ से मंगाते हैं? विदेशों से मंगाते हैं। अब दिया सलाई का आधुनिक रूप क्या हो गया है? लाइटर। तो विदेशों के लाइटरों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि स्वयं को ही देख लो कि तुम जिस मार्किन की धोती पहनते हो, यानी कि तुमने अपने शरीर पर जो वस्त्र पहना हुआ है वह भी तुम अमेरिका से खरीदते हो। जिस लंग लाट का तुम्हारा अंगा है, यानी कि जो जिस वस्त्र का भी, जिस रेशे का भी तुमने जो अपने शरीर पर जो यह कपड़ा पहन रखा है वह भी तुम्हारा किस चीज़ का है? वह इंग्लैंड का है, फ्रांस की बनी, और फ्रांसिस की कंघी से तुम बाल काटते हो, और जो तुम्हारे सामने जो यह बत्ती जल रही है यह भी किसकी है? यह जर्मनी की बनी हुई है। अब उन्होंने कहा कि यह तो वही एक तरह से मसल अर्थात कहावत हो गई कि एक बेफिक्र, यानी कि जिसे किसी की फिक्र नहीं थी, वो एक बार किसी से मंगनी का अर्थात किसी से मांग कर कपड़ा पहन कर किसी दावत में चले गए। अब वहाँ पर जब वो दावत में दावत खा रहे थे तो किसी एक ने, उन्होंने जो वस्त्र मांग कर जो पहने हुए थे तो उसको उन्होंने पहचान लिया। तो उसने कहा उससे कि भाई अजी अंगा, उन्होंने कहा कि कुर्ता जो है वो तो दूसरे आदमी, उस आदमी का है, फलाने का अर्थात उस आदमी का है, मतलब उस आदमी का कुर्ता तुमने पहन रखा है। दूसरे ने बोला, अब दूसरा बोला उसे देख के कि भाई जो टोपी तुमने पहन रखी है वो भी किसी दूसरे व्यक्ति की पहन रखी है। तो फिर उन सब ने मिलकर जवाब दिया कि भाई इनके घर की तो बस मूछें ही मूछें हैं, अर्थात इन्होंने सब कुछ चीज़ें जो हैं वो मांग कर पहन रखी है। तो कहा है कि बस यही स्थिति आजकल भारत देश की है कि हम अपने देश में बनाई हुई चीज़ों का, खुद बनाई हुई चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम विदेशों से खरीद कर उन चीज़ों का उपयोग करते हैं। अब ये कहा है कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हम अपने काम की, अपने ज़रूरत की वस्तुएं भी नहीं बना सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हे भाइयों, अब तो नींद से जाग जाओ, अब तो जागरूक हो जाओ। हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि देश की सब प्रकार से उन्नति हो, जिससे हमारी भलाई हो। हमें वैसी ही किताबें पढ़नी चाहिए, हमें वैसे ही खेल खेलने चाहिए, वैसी ही बातचीत करनी चाहिए जिसमें हमारी और देश की प्रगति हो, भलाई हो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। उन्होंने कहा है कि हमें परदेशी वस्तु, दूसरे देशों में बने हुई वस्तुओं का और दूसरे देशों की भाषाओं का, जैसे बहुत से भारत के लोग होते हैं वो अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं, तो उनके भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए। हमें अपने देश में, अपनी भाषा में उन्नति करनी चाहिए, अपनी भाषा अर्थात हिंदी। हमें हिंदी भाषा की प्रगति की ओर भी ध्यान देना चाहिए और अपने देश की उन्नति की ओर भी ध्यान देना चाहिए।